नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट के 2 दिवसीय दौरे से वापस लौट आए। भारत लौटने से पहले रविवार को वो मिस्र भी गए, जहां उन्हें मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इसे पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मिस्र एक मुस्लिम राष्ट्र है और यहां के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। इस सम्मान की शुरुआत 1915 में हुई थी। ये सम्मान उन राजकुमारों, राष्ट्र अध्यक्षों और उपराष्ट्रपतियों को दिया जाता है जिन्होंने मिस्र की या फिर मानवता की अमूल्य सेवा की हो। तो इस नाते जब ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला तो ये सिद्ध होता है कि उन्होंने मानवता की कहीं ना कहीं अमूल्य सेवा की है। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को ऐसा नहीं लगता। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में नरेंद्र मोदी की तुलना तानाशाह शी जिनपिंग से कर दी। आप सभी को याद होगा कि इस स्टेट विजिट की बहुत चर्चा हुई। इसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बहुत चर्चा हुई जिसको जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ संबोधित किया। यहीं पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक सवाल किया, जिसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में बसता है। ये चर्चा यहीं पर समाप्त हुई, लेकिन ये चलते चलते अब बराक ओबामा तक पहुंची। बराक ओबामा से सीएनएन के पत्रकार क्रिस्टियन ने जब इसी विषय पर सवाल किया तो बराक ओबामा ने कहा कि अगर मेरी कभी नरेंद्र मोदी से इस विषय पर चर्चा होगी तो मैं जरूर कहूंगा कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान दे, यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो भारत विभाजन की तरफ बढ़ जाएगा। इसी बात पर बीजेपी और भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। ओबामा के इस बयान के बाद भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करने वाले आखिर हैं कौन? ये अमेरिका के वो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल में करीबन 7 मुस्लिम बहुल देशों के ऊपर हमला किया गया और उनके ऊपर 26,000 बम बरसाए गए। अगर हम बात ओबामा के कार्यकाल की करें तो 2016 में करीबन 70% मुल्कों के ऊपर अमेरिका की एयरफोर्स की किसी न किसी रूप में तैनाती थी। ओबामा के कार्यकाल में ड्रोन और हवाई हमले बहुत तेज हुए। अगर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तुलना में इसे देखें तो 10 गुना अधिक ड्रोन हमले किए गए। अगर हम उन देशों की बात करें जिन पर ये बम गिराए गए तो उनमें सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान जैसे देश शामिल थे जो मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं। ऐसे में अगर ओबामा भारत के अंदर बसे मुसलमानों की चिंता करते हैं तो पहले वो अपने कार्यकाल की ओर भी ज़रूर एक नज़र घुमाकर देखें कि आखिर उन्होंने कितने हमले किए थे। ऐसे में जब ओबामा भारत को ज्ञान देते हैं तो अजीब सा तो लगता ही है, लेकिन फिर भी भारत का रुतबा बिल्कुल कम नहीं होगा। ये लगातार भारत की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती साख को देखकर साफ साफ प्रतीत होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।